श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जैसे कि आपको पता है कि गुरुवार से, आने वाले गुरुवार से यानी परसों से श्रावण शुरू होने वाला है और बहुत लोगों को इंतजार था, बहुत माता बहनों का इंतजार था कि सावन के सोमवार में वो पशुपतिनाथ के व्रत को शुरू करेंगे। यानी बहुत सारे लोगों ने सोचा था कि सावन का क्योंकि अच्छा महीना होता है और इस महीने में पशुपतिनाथ का व्रत अगर करेंगे तो उसका ज़्यादा फल मिलेगा। आज की कथा में, मतलब जो सीहोर में इस समय कथा चल रही है, उस कथा में गुरुदेव पंडित प्रदीप मिश्रा ने ये बताया है कि आप सावन के महीने में पशुपतिनाथ का व्रत कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो उन्होंने आज ऐसा बताया कि आप श्रावण के महीने में पशुपतिनाथ का व्रत नहीं कर सकते अगर आप सोमवार का व्रत पहले से रखते आए, यानी सावन सोमवार का व्रत अगर आप सालों से रखते आए हैं तो आपको चाहिए कि आप इस व्रत को ना करें। यानी कि श्रावण के महीने में आप सोमवार का ही व्रत रखें, पशुपतिनाथ का व्रत ना रखें अगर आप पहले से ही श्रावण सोमवार करते हैं तो। अगर आपको मेरी बातों पे यकीन नहीं हो तो मैं आपको गुरुदेव की जो क्लिपिंग है वो मैं आपको दिखा देता हूँ, जिसमें उन्होंने आज बताया कि आप ये सोमवार का व्रत करेंगे ना कि पशुपतिनाथ का व्रत करेंगे। लेकिन ये उन्हीं लोगों के लिए है जो सालों से सोमवार का व्रत करते हुए आ रहे हैं, सोमवार का व्रत करते हैं उन्हीं लोगों के लिए है। बाकी लोग जो सोमवार का व्रत नहीं करते, जिनका कोई नियम नहीं है, वो पशुपतिनाथ का व्रत कर सकते हैं। अगर श्रावण के सोमवार का व्रत कर रहे हो तो पशुपति व्रत मत करना, और पशुपति व्रत कर रहे हो तो श्रावण का सोमवार का व्रत नहीं करना। दोनों में से एक चीज चाहिए, व्रत करो। और अगर श्रावण का महीना पूरा निकल जाए और तुम्हारे दो व्रत हुए तो दो व्रत रहने दो, फिर बाद में कर लेना। अगर आप सोमवार करते हो, श्रावण का महीना करते हो तो। और कई माताएं पूछती है हमारा चतुर्मास का व्रत चलता है, तो फिर चार महीने बाद पशुपति व्रत करना। तो कैसा लगा आपको वीडियो और इसमें दी गई जानकारी? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल ज्योतिष मंत्र को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नए विषय के साथ। तब तक आप रहिए खुश और मुझे दीजिए आज्ञा। जय हिंद।